नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे दूध के दांत से जुड़े वो महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित, और साथ में ही बच्चों के दूध के दांत की कैसे करें आप केयर, ये भी हम आज अपने वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, छोटे बच्चों की मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, और यह मुस्कान तब और प्यारी लगने लगती है जब उनके मुँह में दिखाई देने वाले दूध के दांत मोतियों से चमकने लगते हैं। अक्सर देखा गया कि माता पिता बच्चों के दूध के दांतों को यह सोचकर नजरअंदाज कर देते कि वह हमेशा नहीं रहने वाले, जल्द ही टूट जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बच्चे के दूध के दांत से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराएंगे जो छोटे बच्चों के माता पिता में जागरूकता लाने में काफी मदद करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये तथ्य इस प्रकार से है। बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं। ये 6 महीने से लेकर 1 साल की आयु के बीच किसी भी समय आने शुरू हो जाते हैं, और जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तो उनके दूध के दांत निकल जाते हैं। दूध के दांत तब टूटते हैं जब उनके नीचे स्थित स्थायी दांत निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सिर्फ सामने के निचले 2 दांत 6 वर्ष की आयु के आसपास गिरते हैं। उसके बाद हर साल बच्चे के 2 से 4 दूध के दांत टूटते हैं। दूध की दाढ़ें 10 से 13 साल की उम्र के बीच में टूटती हैं। बच्चों के दूध के दांत स्थायी नहीं होते, कुछ साल में ये गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं। फिर भी दूध के दांत को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध के दांत ही वो जगह बनाते हैं जहाँ स्थायी दांत आते हैं। जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक बच्चों के दांतों और मसूड़ों को आपको गीले कपड़ों से साफ करना चाहिए, और 1 साल की आयु के बाद बच्चों के दांतों को नरम ब्रश के द्वारा साफ करना चाहिए। बच्चों के दूध के दांत निकलने के कारण उनके मसूड़ों में दर्द, अधिक लार का बनना, भूख में कमी और नींद में दिक्कत जैसी समस्या होने लगती है। इससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और राहत पाने के लिए अपनी उंगलियों या खिलौनों को मुंह में डालने लगते हैं। गंदी वस्तुओं और उंगलियों को मुंह में डालने से डायरिया की समस्या बच्चे को परेशान करती है। जब बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है तो ब्रश या बोतल के दूध की आखिरी घूंट को वह उसी समय नहीं निगल पाता है। यह दूध उसके दांतों के आसपास जमा हो जाता है और नुकसान का कारण बन सकता है। इससे सबसे अधिक उसके सामने के ऊपरी दांत और दाढ़े प्रभावित होती हैं। पहली बार दंत चिकित्सक के पास तब जाएं जब आपके बच्चे के मुंह में पहला दूध का दांत आ जाए या वह 1 साल का हो जाए। वे आपको उचित मौखिक स्वच्छता और बच्चों के खाने की आदतों के बारे में सलाह देंगे। ये सलाह बच्चों के दांतों को सड़ने से रोकने में काफी मददगार सिद्ध होगी। जितनी जल्दी आप अपने बच्चों के दांतों की सफाई का ध्यान देंगे उतना बेहतर होगा। जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक दांतों और मसूड़ों को साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। बाल फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल 2 साल की आयु में किया जा सकता है जब आपका बच्चा थूकना व कुल्ला करना सीख जाए। साल में 2 बार अपने बच्चों के दांतों की जांच कराएं। नियमित रूप से की गई दंत चिकित्सा आपके बच्चों के दांतों को कैविटी मुक्त रखने में मदद करेगी। अक्सर कई बच्चों को दंत चिकित्सक की अधिक जरूरत पड़ती है, और इसके कारण दंत क्षय का बढ़ता खतरा, असामान्य विकास प्रणाली और खराब मौखिक स्वच्छता हो सकती है। बच्चों के दांतों की देखभाल की टिप्स। सामान्यतः बच्चे के दांत 6 महीने बाद निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के दांत 1 साल बाद निकलते हैं। इनको प्रारंभिक दांत या दूध के दांत कहा जाता है। बच्चे के दांत 3 साल तक निकलते हैं और 6 साल बाद गिरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं, लेकिन स्वस्थ दांतों के लिए जरूरी है कि स्वस्थ मसूड़ों का होना। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको दांतों की देखभाल कैसे करनी है वो अब बता रहे हैं। जब निकलते हैं दांत, बच्चों के दांत निकलने की प्रक्रिया उनके लिए बहुत तकलीफदेह होती है। इस दौरान बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और खाने पीने में भी उसे परेशानी होती है। दांत निकलते समय बच्चे को पतले दस्त व बुखार की शिकायत भी हो जाती है। मसूड़ों में सूजन। जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो उनके मसूड़ों में सूजन हो जाती है। इसे घबराए नहीं है, दांत निकलने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसके अलावा बच्चे के मसूड़ों में लालपन भी आ जाता है। दूध पिलाते वक्त बच्चे के दांत जब निकलने शुरू हो जाएं तब दूध पिलाते वक्त ध्यान रखें। बच्चा जब दूध पी ले तो बोतल हटा ले। सोते वक्त बच्चे के मुंह में यदि बोतल लगी है तो उसे तुरंत हटा ले, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के दांतों में सड़न आ सकती है।
दूध पिलाने के बाद बच्चों के मसूड़े को एक साफ गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दे। इससे उस चिपचिपी परत से जिसे प्लैक कहते हैं उससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, जो कि दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें। बच्चों के दांतों को साफ करने के लिए मुलायम टूथब्रश का प्रयोग कीजिए। बच्चों के दांतों को नियमित ब्रश से साफ कीजिए। ध्यान रखिए कि बच्चों के ब्रश पर किसी भी प्रकार का टूथपेस्ट बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि बच्चा इसे खा सकता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को ब्रश दिन में 2 बार सुबह और शाम कराएं। डेंटिस्ट को दिखाएं। 6 महीने और 1 साल के अंदर बच्चों के दांतों की जांच अवश्य कराइए। इसके लिए आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए। यदि दांतों में कोई समस्या है तो डेंटिस्ट जांच से ही उसका उपचार कर सकता है, ताकि भविष्य में आपके लाडले के दांतों में कोई समस्या न आए। इसके अलावा 12 साल तक हर 6 महीने पर डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए। वह चलना भी सीखता है और खान-पान का असर बच्चों के दांतों को बार बार मुंह में डालता है। यदि फर्श पर कीटाणु होंगे तो ध्यान रखना चाहिए, दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुगर युक्त आहार की उम्र के बाद जब आप ऐसे फल भी न खिलाएं जो बच्चों के दांतों में फंस सकते हैं। फ्लोराइड का टूथब्रश भी ध्यान रखने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान निकलने शुरू हो जाते हैं और यह ध्यान कुछ भी उठाकर खा लेता है। इसके बाद ध्यान रखें कि वह ऐसा कोई खाद्य पदार्थ न खाए, अगर वो निकल जाएगा तो उसके नुकसानदायक पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। फ्रिज को अच्छे से साफ रखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।